एवरीवन, मैं सूरज कुमार और आज मैं फिल्म देखकर आया हूँ बदला। अच्छा, ट्रेलर देख के मैंने कतई एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी डिजास्टर फिल्म होगी। घंटा ऐसा कुछ नहीं है, आपको सदमा आ जाएगा, आप चक्कर आ जाएगा आपको, ऐसा ये फिल्म है। अगर एक लाइन अगर इस फिल्म को डिस्क्राइब करें तो वो है वर्ल्ड क्लास मूवी। इतनी ज़बरदस्त सस्पेंस, इतनी ज़बरदस्त टाइमिंग एंड ट्विस्ट, आप घायल हो जाओगे यार। इतनी मज़ेदार फिल्म एंड अमिताभ बच्चन, ओ क्या प्रे बाप, आप बोलोगे कि मैं ओवर रिएक्शन दे रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे ना। आज मैं आपको एक बोलता हूँ, आप मेरे पे फेवर करना, आप मेरे कितने भी रिव्यू देखते रहो, कितना भी रहे, मैं बहुत बार कमिट भी करता हूँ आपको, लेकिन ये फिल्म आप ज़रूर देखने जाना। अगर फिल्म आपको पसंद नहीं आई, फिर आप बिंदास आके मेरे चैनल को रिपोर्ट भी कर दोगे ना, कोई गम नहीं। लेकिन मैं श्योर शॉट आपको बोलता हूँ, ये फिल्म मास्टरपीस है। क्लास, थर्ड क्लास, मास, कोई भी ऑडियंस रहो, कोई भी टाइप का ऑडियंस रहो, प्यार हो जाएगा इस फिल्म से। आप अगर मेरे को साफ शब्दों में पूछोगे कि इसको रेटिंग्स कितना दोगे, मैं पहले ही दे देता हूँ 5 में से 5 स्टार। इट्स समथिंग डिफरेंट। अरे इंग्लिश किधर बोल रहा हूँ, सॉरी। ये ऐसा फिल्म है जहाँ पर आपको लगेगा कि यार ये टोटली अनोखी चीज़ देख रहे हैं। अमिताभ जी की वो वॉइस पागल कर देगा आपको, एकदम ज़बरदस्त पागल कर देगा यार। आप तरसोगे कि बाप रे, बोलते ही रहे अमिताभ, बोलते ही रहे अमिताभ, बोलते ही रहे, ऐसा आप बोलोगे। अब यहाँ पर लोगों को रहेगा कि शाहरुख खान का कैमियो घंटा, ऐसा कुछ नहीं था। आपको फिर ऐसे ही लगेगा कि वाह, मैकडी में बुला के मिसल पाव खिला दिया, ऐसे ही लगेगा आपको। लेकिन नहीं, शाहरुख खान का कोई कैमियो नहीं था इस फिल्म में। मेरे को खुद को इंतज़ार था, एंड में एक सस्पेंस खुलता है, मेरे को लगा शाहरुख खान है, लेकिन वो टकला बुड्ढा निकलता है। फिर मेरे को लगा कि यार शाहरुख खान का कोई कैमियो नहीं। मैं एंड तक पूरा वो पढ़ रहा हूँ कि किसने क्या काम किया, उसके बाद आएंगे शाहरुख खान, तभी भी नहीं आया। उसके बाद देखा कि वो पेट सफा रोग दफा का ऐड आ गया, मैं बोला अरे शाहरुख खान आया ही नहीं, तो शाहरुख खान का कोई कैमियो नहीं था। लेकिन थैंक गॉड ये फिल्म बनी। हालांकि ये रीमेक है स्पेनिश फिल्म की द इनविजिबल करके, बट हैट्स ऑफ, ये फिल्म बनी एंड इट्स एन आउटस्टैंडिंग फिल्म। 5 में से 5 स्टार दे दूंगा इसकी फिल्म मेकिंग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग एंड बैकग्राउंड। कहीं कहीं तो ऐसा लगेगा कि आप कोई हॉरर मूवी देख रहे, एकदम ज़बरदस्त लगा, ऐसा लगा कि आप हॉरर मूवी देख रहे। फिर आपको लगा कि क्या पिक्चर बनाए, एकदम घायल कर दी दिमाग को। आप फिल्म बिना एक्सपेक्टेशन के गए रहेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा, लेकिन आपको पहले से चक्कर आता रहेगा तो फिल्म देख के आपके होश उड़ जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त है। एंड एंड तक अगर आप पहुँचोगे ना, तो ऐसा आपको लगेगा एंड में कि यार इस फिल्म में तो अमिताभ जी का ही कैमियो है, ऐसा आपको लगेगा। हालांकि ऐसा है नहीं, बट फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि अमिताभ जी का ही कैमियो है। और फिर हमारी अमृता सिंह, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। और तापसी पन्नू, अच्छा तापसी पन्नू का पूरे फिल्म में एक्सप्रेशन ऐसा रहता है, ऐसा लगता है कि मानो कि उनके थोबड़े पे किसी ने जैम लगाकर पंच दे दिया हो। दिखने में वो स्वीट लग रही है, लेकिन थोबड़ा बिगड़ा हुआ है। मेरे बातों का गलत सेंस मत लेना, बट ऐसे ही उनका थोबड़ा है, मैं वैसा डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको। एंड अच्छा, शुरू में ना क्या होता है मालूम है क्या, शुरू में ना जैसे टाइटल्स चलते रहते हैं ना, स्टारिंग ये वो, स्पेशल थैंक्स टू शाहरुख खान जी, ऐसा ऐसा जो भी आता है ना, ऐसा सब आता है ना, तो उसके पीछे ना बैकग्राउंड में अमिताभ जी का रैप चलता है। अब मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो अमिताभ जी पे वो रैप सूट नहीं कर रहा था, वो आपको ऐसा लगेगा रैप के मालूम है कि लोकल ट्रेन की इमरजेंसी अनाउंसमेंट हो गया, यात्री घंटे पे ध्यान दे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गाड़ी आने वाली है, हाथ धो पड़ा के प्लेटफॉर्म में, हमें बहुत खेद है, और अभी गाड़ी यहाँ से निकलने वाली, तो फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे यात्रियों से निवेदन है, उतना में तो ट्रेन आके भी चली जाए, ऐसा आपको लगेगा। ये रैप भी सुन के ऐसे ही आपको फील आएगा। बट अमिताभ जी की जब एंट्री होती फिल्म में, तो एंट्री होती ना, तो तापसी पन्नू बोलती सॉरी, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप थोड़ी देर बाद में आओगे। लेकिन ऑडियंस के मन में ऐसा रिएक्शन आ रहा है कि तेरी माँ की वो अमिताभ है, तूने अमिताभ से ऐसा बात कैसे किया, तेरे को फिल्म से निकाल देंगे हम लोग साले, ऐसे तो बात करिए अमिताभ जी से। कहीं कहीं आपको ऐसा फील आएगा कि अमिताभ जी से वो ऐसा कर रही है। और फिर जब वो अमिताभ जी से लड़ती है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट एंड सस्पेंस पे सस्पेंस, नहले पे दहला होता है, बाप रे बाप, वो तो घनचक कर देगा आपको। ऐसा लगता है अमिताभ जी भी तापसी पन्नू के सामने हार मान रही है, और तापसी पन्नू तो हार जाती है ऐसा लगे। अच्छा, जब भी तापसी पन्नू बाजी मारती है ना अमिताभ जी से कि आपको मैं हर घंटे का पैसे देती हूँ ये वो, तो आपको ऐसा फील आता है कि अबे तेरी तो जितना तूने तेरे लाइफ में पिक्चर नहीं किया ना, उतने तो मैंने एडवर्टाइज़ कर दिए, तो मेरे से डेढ़ सानी बनने की कोशिश मत कर। कहीं कहीं आपको ऐसा फील आएगा कि इतने सीनियर रिस्पेक्टेड आदमी को तापसी पन्नू ऐसा कैसे बोल रही है, हालांकि वो फिल्म में, बट कहीं ना कहीं ऐसा फील आता है। अच्छा, इस फिल्म में ना फॉरेन लोकेशन से, तो एक सीन ऐसा होता है ना कि मतलब मर्डर हो जाता है ना, तो वहाँ पर ना मैं सस्पेंस नहीं दूंगा, नहीं तो बोला स्पॉइलर दे दिया, स्पॉइलर दे दिया, तो वो नहीं दूंगा मैं। तो क्या होगा मतलब वहाँ पर ना पुलिस ना तुरंत मौजूद हो जाती है,
और पुलिस मौजूद होती तो हैंड्स अप ये वो सब कराती, अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज रखती है। पुलिस इतनी ब्रेव, इतनी स्मार्ट और अपने काम को लेकर इतनी रिस्पेक्ट, मतलब उनको कैसे काम करना वो सारी चीज़ें दिखाया। और यही चीज़ अगर इंडिया में हो ना, तो इंडिया में सबसे पहला चैप्टर क्या होगा मालूम है, अगर कोई मर्डर चीज़ मर्डर जगह पे स्पॉट होते हैं ना, तो जब पुलिस पुलिस आते हैं ना, तो पुलिस पुलिस जैसे घर के अंदर एंटर होते हैं ना, तो वो लोग पहला चीज़ क्या करते हैं मालूम है क्या, हवलदार और पुलिस मेन ऑफिसर ना आपस में डिस्कस करते हैं। और क्या करते हैं मालूम है क्या, साहेब लौंडिया का लफड़ा लगता है मेरे को, नहीं कैसा मालूम है क्या, मेरे को उसके उधर बेड के पीछे मेरे को कुछ दिखा, छोटा सा मेरे को दिखा कुछ, लौंडिया का लफड़ा लगता है। और उसका कैसा उधर देखो ना, सब मोबाइल भी पड़े ला है और 10 में बहुत बहुत मैसेज आ जाए व्हाट्सएप पे, टेढ़ा मेढ़ा इमोजी ऐसा इमोजी आया है, बहुत देखा है मैंने सब। तो ये सब डिस्कस होते हैं, फिर भी बोलते हैं कि चलो तहकीकात कर, तहकीकात का ऐसा मज़ा आ रहा है, इमोजी पढ़ो तो सही, ऐसा फील आएगा आपको। यहाँ पे ऐसा होता है, हालांकि आप कहीं भी देखो ना, पहले मौजूद होके ना यही पता करते, और फिर आधा चीज़ तो किस पे फोकस करते, कि माल वाली है रे, अरे माल वाला है, पैसा वाला है साहब, इसके घर पे इतना बड़ा LED है, इतना उससे तो रिमोट, इसका जो जितना बड़ा रिमोट है ना, उतना बड़ा तो अपने घर पे एक रेडियो है साहब, इधर AC चार है अपने घर पे, तो पंखा भी उंगली डाल के 10 बार घुमाना पड़ता है। ऐसे ये लोग डिस्कस करेंगे, मतलब ऐसा लगता है कि मर्डर ने स्पॉट कर रहे हैं कि म्यूजियम घूम रहे हैं, ऐसा अपने पुलिस वाले यहाँ पे कर रहे हैं, मजाक करो। अब अगर यहाँ पर एक मुद्दा आता है कि शाहरुख खान साहब अगर ऐसी ऐसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो बहुत ही मास्टरपीस है, तो वो खुद ऐसी फिल्में कहाँ क्यों करते हैं जहाँ पर उनको कोई स्टोरी की समझ नहीं, और यहाँ पर पैसे लगाने के टाइम स्टोरी पूरी तरह से समझ जाती है और पैसे लगाते हैं वो। हालांकि उनकी प्रीवियस पिक्चर इत्तेफाक भी आप देख सकते हो और ये भी देख सकते, दोनों में कोई ऐसी दो राय नहीं है कि दोनों फिल्म वाही आती है या फ्लॉप है, दोनों मास्टरपीस पिक्चर है। एंड ये पिक्चर तो यार अगर खुद शाहरुख खान भी करते थे तो वो भी उनकी लाइफ बदल जाती थी। हालांकि अब मेरे को ये पॉइंट नहीं समझता था कि अमिताभ जी इतने लास्ट डिकेड से चल रहे हैं और आज तक टिक रहे, लेकिन आज भी उनके पास अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट आ रहे हैं, अच्छे अच्छे फिल्म आ रहे हैं, तो फिर या फिर अमिताभ जी ज़्यादा समझदार है या फिर जो बाकी के एक्टर्स हैं वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं, कुछ समझा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर बंदा ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट कर रहा है आज के टाइम पे भी, तो शायद फिर आमिर, सलमान, शाहरुख ऐसे कितने जने उनको तो कैसे कैसे फिल्में कर दे चले। एनीवेज ये मेरा मुद्दा नहीं, तो फिर बोले खान हिटस ऐसा कुछ नहीं, जबकि यहाँ पे फिल्म ऐसी महसूस कहीं ना कहीं दिलाती है कि शाहरुख खान का कैमियो होना चाहिए था। एंड इवन मैं सीटी मारने के लिए तैयार हो गया था कि शाहरुख खान का कैमियो है। उनके चक्कर में दो बार तो पेट सफा रोक दफा वो वाला ऐड आ गया, लेकिन शाहरुख खान साहब का कैमियो नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं जाते जाते एक ही बोलूँगा कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू, एंड पिंक में अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू का होना, मतलब याद रखना मोबाइल के साथ साथ पावर बैंक आपको फ्री दिया जा रहा है। अब अगर आगे भी ये लोग दोनों साथ में आए तो फिल्म पहले ही श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि फिल्म की कंटेंट दोनों बहुत ही स्मार्ट है, वही उठाएंगे जो मार्केट में आज भी टिक रहा है। तो यार एक बार फेवर करना अपने आप पर ही कि एक बार ये फिल्म ज़रूर देखने जाना, मैं नहीं चाहता कि ये फिल्म अंडररेटेड हो जाए। सो एनीवेज अगर आपको रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मैं जान रहा हूँ आप लोग मेरा टी शर्ट भी देख रहे, खाना पीना हगना अरे सॉरी पबजी, तो टी शर्ट अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं। तो अगर रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, धमाका आने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत काम चल रहा है उस पर। तो मिलते हैं अगले रिव्यू में, टिल दैट गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल।